आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डेस्क और मैं हूं आपके साथ बुलंद शाह जफरुल्ला खान। दोस्तों आज बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सीनियर नेता की, जी हां, जो इस वक्त केंद्र सरकार में परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भी हैं, जिन्हें हम नितिन गडकरी के नाम से जानते हैं। नितिन गडकरी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इस वक्त एक नंबर की जो सूची है भारतीय जनता पार्टी की, उस एक नंबर की सूची में नितिन गडकरी का बड़ा नाम आता है। इस वक्त नितिन गडकरी पुणे के एक सेमिनार में या पुणे के एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। वहां पहुंचते ही वहां सवाल जवाब का एक सेशन चालू हो गया वहां के लोकल मीडिया वालों से, नामा निगारों से। बातचीत सवाल जवाब के दौरान किसी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात नितिन गडकरी से पूछ ली। बस क्या था, नितिन गडकरी ने तुरंत ही कांग्रेस के लिए नितिन गडकरी के दिल का नरम गोशा बिल्कुल सामने आ गया और नितिन गडकरी ने इशारे इशारों में कांग्रेस के तमाम नेताओं को, जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ा है या जो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, उन्हें ना छोड़ने की सलाह देते हुए ये कहा कि वो पूरी पद्धतता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कांग्रेस से बने रहें। जी हाँ, नितिन गडकरी ने साथ में ये भी कहा कि किसी भी देश में, लोकतंत्र देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के मजबूत रहने के लिए किसी भी विपक्ष पार्टी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर क्षेत्रीय पार्टियों की विपक्ष से देश को बचाना है तो कांग्रेस को मजबूत करना ही होगा। जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। नितिन गडकरी ने बहुत सारी बातें कहते कहते नितिन गडकरी ने एक बात यह भी कही कि 1950 के दशक में स्वर्गीय अटल बिहारी जी चुनाव हार गए थे, लेकिन पंडित नेहरू जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, काफी उनकी इज्जत किया करते थे, मान और सम्मान दिया करते थे, सिर्फ इसलिए कि एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष चूके, लोकतंत्र के दो पहिए होते हैं, एक पहिया सत्तारूढ़ पार्टी होती है जिसके हाथ में सत्ता की चाबी होती है और दूसरी विपक्ष होती है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी को हर वक्त गाहे बगाहे उसकी समीक्षा करती रहती है और उसको मशवरे से भी नवाजती रहती है और उसके काम में टीका टिप्पणी भी करती है और अच्छा जो सराहनीय काम है उसकी सराहना भी करती है। इसलिए भी एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष पार्टी का रहना जरूरी है। लेकिन बहुत हैरत अचंभे की बात है, कांग्रेस के उन लालची भंगौड़े नेताओं से को सीख लेनी चाहिए नितिन गडकरी से, कि नितिन गडकरी ने उन्हें इशारे इशारों में समझाया है और नसीहतें दी है और कहा है कि सिर्फ राजनीति खाली सिर्फ आकांक्षाओं के लिए नहीं की जाती है। हम भी राजनीति करते हैं लेकिन हम राजनीति आकांक्षाओं के लिए नहीं करते हैं। राजनीति आकांक्षाओं से ऊंची चीज है, आगे बढ़ गए उससे भी बड़ी चीज है। देश के सेवा के लिए, समाज के सेवा मूल भाव के लिए भी राजनीति की जाती है। इसलिए कांग्रेस के वो लोग जो हाल में, जैसे आप देखिए 2014 से ऐसा लगता है कि कांग्रेस से नेताओं के पलायन का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है, थम ही नहीं रहा है। इसमें बड़े बड़े नाम है कांग्रेस के नेताओं के जिन्होंने 2014 से अब तक कांग्रेस छोड़ दिया। उन्हीं नेताओं की अगर हम माने तो उसमें जितिन प्रसाद है, आरपीएन सिंह है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उत्तर प्रदेश की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी है, इसी तरह से हरियाणा में पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष है जो पार्टी छोड़े और सारे लोगों ने पार्टी छोड़ने के बाद फिर ये भाजपा में आते हैं पलायन करके, अब भारतीय जनता पार्टी में टिकट लेने के बाद फिर ये केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। तो इससे पता चला कि ये पॉलिटिकल अपने प्रोफेंस के लिए और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये दल बदल करते रहते हैं। ऐसे तमाम चाटुकारों को, ऐसे तमाम लालची को, ऐसे तमाम भगौड़े नेताओं को आईना दिखाया है और उन्हें खूब लतियाया जुतियाया है और लताते हुए नितिन गडकरी ने उन्हें कहा है कि पूरे पेशेंस के साथ धीरज बना करके आप पार्टी से बने रहें। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने अपना पुराना दिन याद दिलाते हुए कहा कि 1980 के दशक में पार्टी भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, जहां बहुत भीषण दौर था उसके लिए। ऐसे दौर में बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग पूरे देश में चुनाव हार गए। उस वक्त नागपुर में ही कांग्रेस के एक बड़े नेता थे जिन्होंने नितिन गडकरी को ऑफर किया कि आप कांग्रेस में आइए और कांग्रेस में आने के बाद आपकी तमाम शर्तों को माना जाएगा। अगर हम, नितिन गडकरी आगे बोलते हैं कि अगर हम उनकी बात को या उनके ऑफर को कबूल करके किसी भी लालच में, लोभ में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पार्टी में चले जाते तो कुछ दिन तक तो पार्टी में हम बने रहते और पार्टी में बने रहने के बाद हम सत्ता का भी सुख भोग लेते और हम सत्ता का मजा भी चख लेते। लेकिन जी नहीं, क्योंकि हम जो राजनीति करते हैं वो सिद्धांतों के साथ करते हैं। राजनीति में बहुत
बहुत से मोड़ आते हैं, छोटे बड़े, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि वो हार से निराशा ना हो। दिन सबके आते हैं, दिन बदलते रहते हैं, चक्का जमाने का हमेशा दौर का गोल गोल घूमता है, तो आज तुम्हारी है कल हमारी है, इससे मन को निराश नहीं करना चाहिए और मन को उजाड़ना नहीं चाहिए, और कांग्रेस पार्टी में पूरी एकदम प्रतिबद्धता के साथ बने रहे, ईमानदारी और निष्ठा के साथ बने रहे, क्योंकि कांग्रेस का भी रहना इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और लोकतांत्रिक ताने बाने को, लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के लिए बहुत अहम है। इसलिए कांग्रेस के उन तमाम भगौड़े नेताओं को नितिन गडकरी ने आईना दिखाया है। अब कांग्रेस को उन नेताओं को जो भाग चुके हैं और वो नेता जो भागने के लिए पर तोड़ रहे हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, देश के केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की नसीहत से कुछ सीख लेनी चाहिए।